अकेले में आज गए हैं। अगर राजस्थान होता तो मैं आग बंद करके विश्वास कर लेता, बट ये गुजरात है। इस बार मैं नहीं कह सकता सफर खूबसूरत था मंजिल से भी। एक छोटा सा मसला हो चुका है, मसला ये है। Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. जो सवारी उनको ड्रॉप कर रहे हैं, और हमारी बारी आने वाली तो पहले ही खड़ा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी उतर जाए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट बस या जो भी है वो पता चलेगा क्या करना है, क्योंकि यहाँ से वापस से 20-30 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं क्या होता है। हाईवे में बीच अकेले में आ गए हैं। यहाँ से मुझे 40 किलोमीटर दूर जाना है जो मेरी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ तक के लिए देखिए जी क्या होता है। पता था मुझे जहाँ कहा था वहाँ तो मैं उतर चुका हूँ। अब आगे का जो रास्ता है भगवान, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा थोड़ा डर तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, ओके जी, एक्सपीरियंस ले लें, फल लगाते हैं। तो जी वैसा अभी एक ऑटो वाले भैया मिले मुझे, वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ ना, मतलब ऑटो वाले तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा बस स्टेशन 11 किलोमीटर दूर है, आपको बस मिलेगी नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा भैया जी उदयपुर से हैं, मतलब कम मत समझिए आप। उनको नहीं पता, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं, सब कुछ पता है दुनिया कैसी चलती है। उनको तो देखो वैसे 300-400 रुपए का माने, रास्ता सिर्फ मुश्किल से 200 मीटर का है जहाँ पे मेन बसेस आती है। वो कह रहे हैं कि यहाँ बसेस मिलेगी नहीं। एक अंकल जी मिले, उन्होंने कहा कि इस पे भरोसा मत करो। अगर राजस्थान होता तो मैं आग बंद करके विश्वास कर लेता, बट ये गुजरात है, आप बिल्कुल भी मत कीजिए। मैंने कहा यार ये बात तो मुझे पता नहीं थी, जिस हिसाब से बोला ना कि राजस्थान होता तो भरोसा कर लेता, पर ये गुजरात है, किसी पे भी भरोसा मत करना। तो पता चल रहा है कि भाई सोलो ट्रैवल्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, डोंट। तो जी थोड़ा ही दूर आते ये नाश्ते की दुकान मिल गई, तो अपना समोसा और चाय रेडी है, तो पीते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं 5-10 मिनट बाद। पहले पेट पूजा फिर काम होता है। फाइनली बस में आ गए और जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो जी सेकंड बस का भी जितना सफर था हो चुका है, और अब आ चुके हैं बस, अब सिटी के जो अंदर जा रहा है। अब यहाँ से मुझे एक भैया है वो लेने के लिए आएंगे, उसी का इंतजार है, बस एक बार डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना, उसके बाद सब कुछ ठीक है। भैया इस बार मैं नहीं कह सकता सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि मंजिल ज्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि एक तो गर्मी अब लग रही है स्टार्ट हो चुकी है सुबह की, पता नहीं कितनी बजे, घड़ी तो बैग में पड़ी है। जो भी है ठीक है, भैया आते हैं उनका वेट करते हैं, वहाँ पे जाके नहाना है मुझे सबसे पहले तो, और 10-15 मिनट का अगर नैप मिल जाता है, पावर नैप, मजा ही आ जाए। जी भैया जी आ चुके हैं और अब चाय पी रहे हैं, चाय का सेकंड राउंड है, और अब थोड़ी सी एनर्जी और आ चुकी। तो जी हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आ चुके हैं फाइनली, और अब यहाँ पे जो सामान है वो खाली करते हैं, अंदर जाते हैं और फिर बताते हैं क्या सी 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। तो जी बैग ले लिया जिसमें हमारे कपड़े हैं जो कि पहनने हैं, बट नहाने का इंतजाम हो गया नहीं होगा, क्योंकि रूम्स का अभी तक मुझे पता नहीं, आइडिया है कि वॉशरूम है वहाँ पे जाके देखते हैं, चेंज तो करना ही है क्योंकि ड्रेस कोड है। और मैं बताता हूँ कि मैं करने क्या आया हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं। तो मैं ये करने आया हूँ वेडिंग का शूट, और इस बार जो है डेकोर वगैरह करी, इस बार जो है एक जो फोटोग्राफी टीम है उनके साथ आया, तो मतलब देख रहे हैं प्रगति इम्प्रूवमेंट लेवल अप वही चल रहा, तो इसलिए शॉपिंग वॉपिंग करी थी। तो कपड़े पहनते हैं अपने ड्रेस लुक में आते हैं आपके सामने फ्रेश लुक के साथ। और एक छोटा सा मसला हो चुका है, मसला ये है कि जो हमारे रूम से वो यहाँ नहीं है, वो दूसरी प्रॉपर्टी में, और दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी सी दूर है मेरे को था नाना। तो अब देख रहे हैं जो भैया है जिनके थ्रू मैं आया हूँ, तो वो भैया यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब जो फोटोग्राफी वाले भैया हैं, सेटलमेंट करते हैं, बात बात करते हैं, आते हैं यहाँ पे, हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पसीना बहुत ही लग रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मतलब देखो घर से भी नहा के निकला हूँ, यहाँ पे भी मेरी इच्छा है कि नहा के देने के बाद ही काम चालू करें, तो समझ सकते हैं आप। ठीक है जी, जो भी है जैसे भी बताते हैं, अभी बाहर जाके बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे इधर आया था रिसेप्शन के यहाँ पे, बात का कुछ हो जाए तो पटता ही, कोई बात नहीं। अब ये पूल को देख के ऐसा लग रहा है जाके डुबकी मार दो और सब सेट हो जाए, बट नहीं कर सकते। देखिए जी चेंज करने के लिए कुछ रूम तो है नहीं, तो
वॉशरूम में आ चुके हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि सिर्फ अभी आधे एक घंटे का काम, उसके बाद डायरेक्ट शाम को 4 बजे का काम। अभी के लिए एक बार पहन लेते हैं, उसके बाद शाम को करेंगे। अगर व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो माफ करना चाहूंगा क्योंकि हालत जो है ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और तो थोड़ा सा चेंज भी कर रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा सह लेना जैसा भी बने, पर व्लॉग बना रहे, व्लॉगिंग ऑन है। तैयार हो चुके हैं बट बिना नहाए, और बिना नहाए तैयार होने का मतलब है कि और ज़्यादा पसीना होना, बट क्या ही करें, अच्छे लग रहे हैं वैसे, एली के बाल आ गए। तो ये है पूरा लुक, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और हाथ में बैग, बैग रखते हैं, बात करते हैं, शूट स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है हमारा रूम, इधर है वॉशरूम और ये रहे हम। आके कुछ भी नहीं करा, आके सो गए, 2-3 वीडियो एडिट कर दी, 2 वीडियो एडिट करके बता दी, उसमें कुछ करेक्शन थे वो कर दिए, अब एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अभी बज रहे शाम के 4:30, अब चलते हैं वापस लोकेशन पे। रूम टूर तो क्या ही बताया, आपको बता ही दिया, अब थोड़ा सा मतलब मान के चलो 3 किलोमीटर दूर है, फेस वॉश भी कर लिया, पानी बहुत गर्म है बट कोई बात नहीं, फेस का अच्छा अच्छा लगना चाहिए। आंखों में थोड़ा सा दर्द है, क्या पता नींद की कमी है या फिर उठते ही एडिट कर दी तो वो चीज़ हो सकती है। हल्दी है और संगीत है और फिर कल रिसेप्शन, कल सुबह कुछ प्रोग्राम नहीं है, ज़्यादा भी कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि अगर बिना फालतू कुछ चीज़ बताऊंगा सेंस बनता नहीं उस बात का। तो जी जो भी है ठीक है, वरना तो हर कोई ब्लॉगर बन नहीं जाता है कुछ दिखाने से, तो अपन वो चीज़ करेंगे नहीं, जो करना है वो करेंगे। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू करते हैं आज जी। रूम में लगाते हैं लॉक और चलते हैं। टाइम 6:30 और थोड़ा सा हाइटी का मजा लिया जा रहा है। तो जी जिस प्रॉपर्टी में हम आए हैं उसे कहते हैं विक्रम हेरिटेज, क्योंकि वडोदरा में है बालोल के यहाँ पे। अब पूरा एड्रेस तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, पर आप व्यू देखिए, सामने है पावागढ़ और ऊपर काली माता का मंदिर है। ये जो आपको दिख रहा है ये रोप वे का रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो, फोकस नहीं होगा, सॉरी क्या कर रहे सब कुछ हो चुका है। अब एक बहुत ही खास चीज बताता हूँ आपको, 60 मोटर में मतलब वीडियो बनेगी इसमें, तो ट्राई करना तो बनता है, करते हैं, सब कर रहे हैं टीम वाले, हम भी करेंगे, हम अंकल से भी करवाएंगे और मस्त आराम से, तो मस्त 360 वीडियो आएगी, मजा आएगा। 360 वे क्या बोलते हैं इसको, 360 वीडियो। चलिए जी। Season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. ये आज का जो सीन था वो भी देख लिया और 360 व्यू भी देख लिया आपने, कैसा दिखता है क्या होता है। ये है पूल साइड, अब ऊपर आए हैं खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं और चलते हैं होटल, नींद आ रही, सो जाएंगे जाके, नाना बाकी रही आज। तो जी आ चुके हैं हमारे रूम पे वापस से, फिर से खाना वाना सब कुछ हो चुका है, सोएंगे और सोने से पहले नहाना है, तो मतलब नहाने की फीलिंग ही अलग है, मतलब सुबह से वो पसीना और लथपथ हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं इस गर्मी में जो जो बाहर जा रहे हैं जो सब कर रहे हैं। तो जी बढ़िया है, कॉरिडोर बहुत ही अच्छा लगा मुझे होटल का, देखिए फुल ऑन लाइटिंग के साथ। तो जी बस आज का सीन कुछ ऐसे ही, घर पर भी सब कुछ बता दिया है, सब कुछ हो चुका है, नहाते हैं, चेंज करते हैं और सो जाते हैं, फिर कल सुबह तो कुछ प्रोग्राम है नहीं, शाम का आपको बताएंगे, उसके बाद वापस से उदयपुर निकल जाएंगे, और कल रात को निकलते हैं या सुबह जल्दी निकलते हैं वो देखने वाली बात होगी, तो देखते हैं। और इसी के चक्कर में अभी जब व्लॉग्स नहीं आ रहे, एक दो दिन आज 11 तारीख हो चुकी है, मतलब 12 बार लग गए हैं, 12th में हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, व्लॉग्स आएंगे।